अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे जलेबी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट क्रिस्पी जलेबी हमारी बनेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर 2 कप, लेवल करके हम 2 कप लेंगे। बेकिंग पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, यानी कि 1 छोटा चाय का चम्मच। ऑरेंज या फिर येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून, यानी कि चुटकी भर। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा इसे गर्म होना चाहिए। 1 कप, और साथ में 3/4 कप मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि एकदम से ज़्यादा ना होने पाए। पानी इसमें हमने बहुत ही हाथ रोक कर शामिल करना है, क्योंकि अगर आप इसमें एकदम से ज़्यादा पानी डालेंगी तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेजरमेंट्स का बहुत ही आपने ख्याल रखना है। मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर रही हूँ, और 2 कप से थोड़ा सा कम, यानी कि 1 कप फुल, और तकरीबन 3/4 कप मेरा इसमें पानी लगा है। और अब हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। इसका फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, 5 से 6 मिनट हाथ की मदद से या फिर विस्क की मदद से हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। मैं वीडियो को कट कर रही हूँ, शॉर्टली मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इसे 5 मिनट ही फेंटना है अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद कलर शामिल करी हूँ, क्योंकि मुझे कलर इसका थोड़ा सा लाइट लगा है। ये 1 कप उड़द दाल का पेस्ट है। उड़द दाल को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, और उसका मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर लिया है। तकरीबन 1/2 कप मैंने उड़द दाल को 3 से 4 घंटे भिगो दिया, तो थोड़े से पानी के साथ मैंने इसका पेस्ट बना लिया। 1 कप इसका पेस्ट बन गया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे फेंटना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसे फेंटेंगे तो उतनी ही अच्छी जलेबी बनेगी। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो। तकरीबन 8 मिनट लगेंगे हमें इसे फेंटने में। अच्छे से आपने इसे फेंट लेना है तकरीबन 7-8 मिनट, और इसके बाद आपने इसे कोई सी भी स्क्वीज़ बोतल में, जैसा कि केचप का बोतल होता है तो आप उसमें भी ऐड कर सकती हैं, या फिर इस तरह कोई प्लास्टिक बैग लेकर आप उसमें भी ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पर जो पाइपिंग बैग होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मैं पाइपिंग बैग में भी थोड़ा सा ऐड शामिल करूँगी, और थोड़ा सा मैं केचप का जो बॉटल होता है उसमें ऐड करूँगी। उससे बहुत ही अच्छी जलेबी बनती है। और इसी तरह हम इसमें डालकर इसे छोड़ देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, क्योंकि आजकल मौसम सर्द है, तो मैं इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ूंगी। और अगर गर्मी है तो आप इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। तब तक हम इसके लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें 3 कप चीनी चाहिए। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप 2.5 कप भी ले सकती हैं। चीनी को हम एक सॉस पैन में शामिल करेंगे, और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैं यहाँ पे 2 कप ले रही हूँ, यानी कि 3 कप चीनी में मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी। अगर आप 2.5 कप चीनी ले रही हैं तो भी आप 2 कप ही शामिल करें। कुकिंग का टाइम आप फिर जब आप 2.5 कप चीनी लेंगे तो कुकिंग का टाइम आप बेशक स्लो कर लें, लेकिन पानी का मेजरमेंट आपने सेम ही रखना है। इसको अब हम कुक करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक लो टू मीडियम हीट पर। हाई हीट हमने बिल्कुल भी नहीं रखनी। अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची शामिल करेंगे पीस कर, और अच्छे से हमने इसे बॉईल करना है। 8 से 10 मिनट तक हमने इसे मुसलसल बॉईल करते जाना है, और अच्छे से इसे गाढ़ा कर लेना है। तो ये चाशनी हमारी तैयार है। ये आप देख सकती हैं, इस तरह की चाशनी हमारी होनी चाहिए। ये चाशनी हमारी तैयार है। अब हम इसे साइड पर रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, लगभग 10 मिनट ही लगते हैं इसे तैयार होने में।
बहुत ज़्यादा आपने इसे गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने पर ख़ुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और इसे हमने बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, इस तरह करके कोई केचप का बॉटल लेंगे और इसमें हम जलेबी का मिक्सचर ऐड करके इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। गरम तेल में हमने जलेबी को बना के तलना है। याद रखें कि आपने ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल भी लो पर नहीं करना, मीडियम से हाई हीट पर आपने इसे फ्राई करना है। अगर आप इसे लो पर करेंगी तो ये जलेबी अच्छे से फूलेगी नहीं और क्रिस्प नहीं बनेगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं इसे क्रिस्प होने में। गोल गोल जलेबी मैक्सिमम लोगों से ठीक नहीं बनती, मुझसे खुद भी ठीक नहीं बनती, तो मैं इस तरह करके लॉन्ग वाला इस तरह बना लेती हूँ। और इसे अब हम शीरे में डिप करेंगे। शीरे में बहुत ज़्यादा आपने डिप नहीं करना, बस तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए आपने इसमें डिप करना है और एकदम से आपने इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे सोक करके नहीं रखना, बस आपने इसमें डिप करना है। डिप करके 1-2 मिनट के लिए दबा 1-2 सेकंड के लिए दबा लेना है, नीचे जाके ये ऊपर आ जाएगा और आपने इसे निकाल लेना है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही हूँ और जल्दी जल्दी सोक कर रही हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो इसकी बना नहीं सकी, लेकिन मैं आपको ये बताती जाऊँ कि आपने इसको शीरे में बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना और आपने इसको जब फ्राई करना है तो हीट आपने बिल्कुल भी स्लो नहीं करनी, मीडियम से हाई हीट पर आपने इसे फ्राई करना है। और जल्दी जल्दी गरम गरम जलेबी को आपने शीरे में डिप करना है। शीरे को भी आपने बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना। जैसे आप शीरे को उतारेंगी, साइड पर रखेंगी 3 से 4 मिनट के लिए, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा आपने इसे ठंडा नहीं करना वरना ये शीरे को जज्ब नहीं कर पाएगा। तो इस तरह करके हम जलेबियाँ बना लेंगे। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मोटी जलेबियाँ ना बनाएं, इस तरह करके पतली ही जलेबियाँ बनाएं तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। इस तरह से हम शीरे में डिप करेंगे, ये आप देख सकती हैं, उठा के मैं इसे शीरे में डाल रही हूँ। ये अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, 1 से 2 मिनट लगते हैं। अगर पतली जलेबी आप बनाएंगी तो 1 मिनट ही लगेगा इसे क्रिस्प होने में। और इस तरह से ये देखें, मैंने इसमें डिप कर लिया है और अब मैं इसे निकाल कर प्लेट में डालूंगी। इस तरह से मैंने सारी जलेबियाँ बना ली हैं। लेंथ वाइज बहुत ही अच्छी जलेबी बनती है। ये आप देख सकती हैं कि ऑयल कितना गर्म है। जैसे ही हम इसमें जलेबी डालेंगे तो ये तेल के ऊपर आ जाएगी। बस तकरीबन 1 मिनट के लिए एक साइड से, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए ही दूसरे साइड से हमने इसे कुक करना है। बहुत ज़्यादा हाई हीट भी आपने नहीं रखनी क्योंकि जलेबी जल जाएगी। और इसी तरह करके सारी जलेबियाँ तल कर हम डायरेक्ट शीरे में डिप करते जाएंगे, और शीरे से निकाल कर किसी वायर रैक पर या फिर किसी प्लेट में आप रख सकती हैं। वायर रैक पर अगर आप रखेंगी, छलनी में रखेंगी, तो जो इसका एक्सेस शीरा होगा तो वो इससे ड्रिप ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारी जलेबियाँ तैयार हैं, गरम गरम आप इसे सर्व करें। बहुत ही क्रिस्पी जलेबी हमारी बनेगी और शीरा इसने अंदर तक जज्ब कर लिया होगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियोस में मेरी वीडियो में कुछ भी कमी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं वीडियो के टाइमिंग की वजह से मैं वीडियो को शॉर्ट कर लेती हूँ, बहुत से स्टेप्स मैं आपको ऐसे ही ज़बानी बता देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।